भाई आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फनी लगे ना तो सब्सक्राइब करके जाना यार। ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार जरा। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई कि रे क्या है? ये एक जन्म के हैं? कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना, कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे, कह रही सुनो सरला को भी भेज दो। और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके, पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे बस बकचोदी करते रहोगे। एक कर रहे, एक मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे, उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया खाने को दे रहा है। फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल, त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रख के कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिला। मैंने कहा ठीक। इन्होंने 3 पे त्रिपाल खींच दी, मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोलिए क्या कराइए, मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूं, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। यू आर द